हेलो भाई, मैं हूँ कार्तिक। आप देख रहे हो ऑलराउंडर के त्रिवेदी। सो हुंडई ने अपनी प्रीमियम सेडान वर्ना को फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया है और वर्ना के वर्ना के टक्कर के लिए बहुत सारी गाड़ी खड़ी हैं सेडान में, जैसे कि मारुति सियाज, होंडा की सिटी, ऐसी गाड़ी खड़ी है टक्कर में। तो इस वीडियो में मैं होंडा सिटी वर्सेज हुंडई वर्ना फेसलिफ्ट, ये है, तो अपन इन दोनों को कंपेयर करेंगे और देखते हैं आखिरी में आपको कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन डायमेंशंस की बात करते हैं। हुंडई वर्ना की डायमेंशन में सबसे पहले लेंथ की बात करें तो हुंडई वर्ना की लेंथ है 4440 mm, और होंडा सिटी की बात करें तो दोनों की इक्वल है, 4440 mm। विड्थ की बात करें तो वर्ना की है 1729 mm और होंडा सिटी के 1695 mm, जो कि 34 mm कम है वरना से। मतलब अपने को वरना ज़्यादा चौड़ी मिल जाती है होंडा सिटी के मुकाबले में। अब वरना की जो हाइट है वो है 1475 meters और होंडा सिटी के 1495 meters, जो कि 20 meters कम है वरना से। व्हील बेस की बात करें तो वरना में 2600 mm का बूट व्हील बेस, और दोनों गाड़ियों में 2600 mm का व्हील बेस मिलता है, सेम है दोनों का। अब बात करें तो आपको मतलब समझ आ गया होगा कि वरना बस हाइट में इससे छोटी है, बाकी लेंथ और विड्थ में बड़ी है। तो मतलब ऑब्वियस बात है, वरना के कैबिन में अपने को थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस मिलेगी होंडा सिटी के मुकाबले, थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस, और ऊंचाई में होंडा सिटी है थोड़ी सी ऊंची। व्हील बेस दोनों की सेम है। सेकेंड बात करते हैं अपन बूट स्पेस की। वरना में अपने को 480 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो कि 30 लीटर कम है होंडा सिटी में बूट स्पेस मिलने में। होंडा सिटी का 510 लीटर का बूट स्पेस है। और एक बात और बताऊं कि जो वरना के बूट स्पेस है, अपने को उसमें हुक मिलता है, हुक और नेट मिलती है, जो मतलब अपन कोई सा भी सामान जो अपन उसको हुक से बांध सकते हैं, तो ये भी अच्छी बात है वरना के उसके लिए। और चलिए थर्ड बात करें अपन तीसरी चीज़ की, तो वो है टर्निंग रेडियस। होंडा सिटी का टर्निंग रेडियस है 5.3 mm, और जो कि 0.2 mm ज़्यादा है वरना के टर्निंग रेडियस 5.2 से। आपको बता दूं कि टर्निंग रेडियस जितना कम होता है उतना ही अच्छा होता है, उतनी कम जगह में आप गाड़ी को मोड़ सकते हैं। इसका मतलब अपन वरना को छोटी सी छोटी जगह में मोड़ सकते हैं, और ज़्यादा फ़र्क नहीं है वैसे, पर 0.2 meter है तो इतना फ़र्क तो नहीं पड़ेगा वैसे। फोर्थ, टायर साइज़। अपने को होंडा सिटी और हुंडई वरना दोनों में 15 और 16 इंच के टायर्स मिलते हैं। 15 इंच के अपने को मिलते हैं व्हील कवर्स और टायर एलॉयल, और 16 इंच के दोनों मिलते हैं। चलिए इसके बाद की बात करें तो वो है फ्यूल टैंक कैपेसिटी। अपने को होंडा सिटी में 40 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जो कि 5 लीटर कम है हुंडई की वरना में मिलने से। हुंडई वरना में अपने को 45 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। इसके बाद ग्राउंड क्लियरेंस। अपने को दोनों गाड़ी में सेम ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है 165 mm की। तो मतलब ग्राउंड क्लियरेंस सेम है, फ्यूल टैंक थोड़ा सा सिटी का कम है होंडा सिटी का। चलिए अब अपन इसके इंजन को कंपेयर करते हैं। तो वरना में अपने को 3 टाइप के इंजन्स मिलते हैं, एक 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, एक वन लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, और एक 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन। तो चलिए सबसे पहले इंजन को कंपेयर करते हैं 1.5 लीटर वाले। तो दोनों 1.5 लीटर के पेट्रोल इंजन मिलते हैं, दोनों में अपने को मतलब दोनों जो हैं 4 सिलेंडर ही पेट्रोल इंजन है, और वरना के जो पेट्रोल इंजन है उसमें अपने को 113 bhp की पावर जनरेट करता है, जो कि मतलब होंडा सिटी से थोड़ा सा कम है, -4 है बस,
जो कि 4 BHP कम है बस। और हुंडई वरना में 144 NM का टॉर्क जनरेट करते हैं और जो कि 1 NM कम है होंडा सिटी से, तो टॉर्क में तो इतना फ़र्क नहीं है। पावरफुल है जो है ये इंजन जो है पावरफुल है थोड़ा सा, मतलब हुंडई वरना के इंजन से थोड़ा सा पावरफुल है। और इसमें अपने को 17 वरना का बता रहा हूँ, इसमें अपने को 17.7 to 18.45 KMPL का माइलेज क्लेम करता है और होंडा सिटी में ये 17.4 MM का मतलब KMPL का वो करता है, माइलेज क्लेम करता है ये वाला इंजन होंडा सिटी का। अब चलिए अपन इसके दूसरे इंजन की बात करते हैं। दूसरा इंजन जो है 1 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है जो कि टर्बो है। इसमें अपने को ये टर्बो इंजन बता रहा हूँ मैं, सिर्फ पेट्रोल इंजन का जो ये वन, और दोनों में अपने को जो होंडा सिटी है उसमें अपने को 1.5 लीटर का ये पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि एक और वैसे ही पेट्रोल इंजन है पर थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल है वो पुराने वाले से। तो चलिए अपन जो इसका इंजन है वो 118 BHP की पावर जनरेट करता है जो कि 1 BHP ज़्यादा है होंडा सिटी के उससे BHP से। इसमें अपने को 171 NM का टॉर्क देती है, मतलब ये गाड़ी 171 NM का टॉर्क जनरेट करती है। कितने RPM पे करती है ये नहीं पता है अभी मेरे को, लेकिन तो भी टॉर्क तो बढ़िया है। और होंडा सिटी 145 NM का टॉर्क जनरेट करती है जो कि 26 NM कम है। और एक बात और बता दूं, जो होंडा सिटी का ये वाला जो इंजन है ये सिर्फ और सिर्फ CVT और CVT ऑटोमेटिक में मिलता है, और ये वरना का जो टर्बो इंजन है ये DCT में मिलता है, DCT। और बता दूं DCT जो है आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और CVT भी जो है CVT भी बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी, इसमें बहुत स्मूथ हो रहते हैं ट्रांसमिशन रहते हैं। और जो इसका जो पेट्रोल इंजन बता रहा हूँ ये दोनों टर्बो हैं, और मतलब अपने को वरना के इसमें अपने को पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं और होंडा सिटी के भी ये वाले इंजन अपने को पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं। अब चलिए वरना का लास्ट इंजन की बात करते हैं जो कि डीजल इंजन है। तो ये 1.5 लीटर का डीजल इंजन है जो कि होंडा सिटी का भी 1.5 लीटर का डीजल इंजन है ये। और वरना के डीजल इंजन जो है इसमें अपने को 113 BHP की पावर जनरेट करता है ये इंजन, और जो कि 14 BHP कम है होंडा 14 BHP ज़्यादा है होंडा सिटी से, होंडा सिटी में सिर्फ 99 BHP करता है इस। और इस इंजन में अपने को 250 NM का टॉर्क क्लेम करती है ये, जो कि 50 NM ज़्यादा है होंडा सिटी को से, होंडा सिटी में 200 NM का करती है, सिर्फ 200 NM का, तो भी इतना ख़राब नहीं है, अच्छा है तो भी इतना ख़राब तो नहीं है ये। चलिए अब अपन इसके बाद सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अपने को होंडा सिटी में ACE बॉडी स्ट्रक्चर मिलता है जो कि होंडा बताती है, क्लेम करती है कि बहुत बढ़िया है स्ट्रक्चर है, मजबूत है, स्टैंडर्ड सेफ्टी बता रहा हूँ। ACE बॉडी स्ट्रक्चर मिलता है, ड्यूअल एयरबैग्स मिलते हैं अपने को, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ABS, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन EBD और ECU, आइसोफिक चाइल्ड सीट्स, डे नाइट IRVM, रियर डीफॉगर, सीट बेल्ट प्रीटेशनल विथ रोड लिमिटर, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर, हाई स्पीड अलर्ट, डुअल हॉर्न और रिवर्स कार पार्किंग सेंसर जैसे फीचर अपने को स्टैंडर्ड सेफ्टी में मिलते हैं। और टॉप वेरिएंट में अपने को 6 एयरबैग जैसे फीचर्स मिलते हैं। उस तरफ अपन वरना की सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं जो कि स्टैंडर्ड मिलते हैं, वो है डुअल एयरबैग्स, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ABS, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, डे नाइट IRVM जो कि मैनुअल मिलते हैं अपने को दोनों, टॉप वेरिएंट में अपने को ऑटोमेटिक मिलते हैं, सेंट्रल लॉकिंग, इंपैक्ट सेंसिंग डोर लॉक एंड अनलॉक, सीट बेल्ट रिमाइंडर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, सीट बेल्ट प्रीटेशनल विथ लोड लिमिटर, डुअल हॉर्न, आइसोफिक चाइल्ड सीट, एमरजेंसी स्टॉप सिग्नल जैसे सेफ्टी फीचर्स अपने को स्टैंडर्ड मिलते हैं जो मेरी नज़र में वरना के ज़्यादा बेहतर है फीचर्स। और इन सब के अलावा टॉप वेरिएंट में वरना में अपने को 6 एयरबैग्स,
ESC VSM Vehicle Stability Management HCL Hill Start Assist ये front parking sensor turbo only projector fog lamps tire pressure monitoring system automatic headlamps and wipers rear disc brake buzzing alarm जैसे सेफ्टी फीचर्स अपने को टॉप वेरिएंट में मिलते हैं। तो मेरे नज़र में तो वरना की सेफ्टी ज़्यादा अच्छी है। अब चलिए अपन कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स की बात करते हैं। पहले होंडा सिटी के कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की बात करते हैं। तो होंडा सिटी में अपने को ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल रियर एसी वेंट्स विथ क्रोम लाइनिंग एसी फिल्टर मतलब जो इको कोटिंग रहता है पुश स्टार्ट एंड स्टॉप बटन स्मार्ट ट्रंक ड्राइवर साइड पावर विंडो डोर स्विच लॉक कर लेते हैं मतलब वो स्विच आते हैं जो 360 डिग्री पार्किंग कैमरा क्रूज कंट्रोल 7 स्पीड पैडल शिफ्टर सीवीटी ओनली ऑटोमेटिक हेडलैम्प वाइपर एंड IRVM डिमिंग IRVMs टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग व्हील ड्राइवर साइड मैनुअल हाइट एडजस्टेबल सीट्स ये टॉप वेरिएंट में भी मैनुअली मिलती है मतलब टॉप वेरिएंट में भी अपने को मैनुअल मिलती है ऑटोमेटिक नहीं मिलेंगी जो कि वरना के टॉप वेरिएंट में मिलती है अपने को मोबाइल चार्जर फ्रंट एंड बैक साइड वन टच टर्निंग सिग्नल फॉर लेन चेंजिंग वैनिटी मिरर फ्रंट पैसेंजर साइड एंड लगेज लाइट अपने को लगेज लाइट भी मिलती है और वैनिटी मिरर जो है सिर्फ अपने को पैसेंजर साइड में मिलते हैं। अब चलिए इसी तरफ अपन वरना के बारे में बात करते हैं। तो वरना में अपने को फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स पैडल शिफ्टर्स इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ इसमें अपने को वन टच क्लोज एंड ओपन सनरूफ मिलते हैं। तो और बताना भूल गया भाई कि अपने को होंडा सिटी में सनरूफ भी मिलता है इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ जो कि अपने को वरना में भी मिलता है पहले भी मिलता रहा। अब चलिए अपन वापस वरना के बारे में आते हैं। और फोर्थ में पुश स्टार्ट स्टॉप बटन स्मार्ट ट्रंक मतलब जैसे अपनी जेब में अगर की पड़ी है और अगर अपन ट्रंक के सामने आए तो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल विथ इको कोटिंग मैं वही बता रहा था इको कोटिंग के बारे में बता रहा था जो कि मैंने यहाँ पे मतलब उसके बाद फिल्टर के बारे में बताया था वही है इको कोटिंग। मोटर ड्राइव पावर स्टीयरिंग रियर एसी वेंट्स वायरलेस फ़ोन चार्जर ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर कूल ग्लव बॉक्स टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील ड्राइवर एंड पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर्स फ्रंट एंड रियर USB पोर्ट लेन चेंजिंग इंडिकेटर और इंडिकेटर्स लगेज लैंप लगेज हुक एंड नेट बैटरी सेवर डिजिटल स्पीड मीटर और टैकोमीटर जो कि अपने को होंडा सिटी में एनालॉग मिलते हैं एडवांस ब्लू लिक कनेक्टेड टेक्नोलॉजी जो कि अपने को इसमें अपने को मतलब 20 से 25 फीचर्स और मिल जाते हैं ब्लू लिंक में। तो मतलब वरना के जो अपने को कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स मिलते हैं वो कुछ ज़्यादा अच्छे हैं होंडा सिटी के मुकाबले। अब चलिए कर्ब वेट की बात करते हैं दोनों गाड़ी की। तो होंडा सिटी का जो कर्ब वेट है वो है 1088 kg यानी 1088 kg। और इसी तरफ अगर अपन वरना के बारे में बात करें तो वरना में अपने को मिलता है 1170 kg मतलब अपने को वरना में मिलता है जो कि ज़्यादा है होंडा सिटी में मतलब होंडा सिटी हल्की गाड़ी है वरना से 88 kg। और इससे अपन गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी का वो लगा सकते हैं मतलब अंतर लगा सकते हैं। होंडा की बिल्ड क्वालिटी जो है वो भी बहुत बढ़िया और होंडा की भी बहुत बढ़िया बिल्ड क्वालिटी है। अब चलिए वारंटी ऑफर की बात करें तो वरना में होंडा ही अपने को वरना के साथ 3 ईयर्स या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर्स 4 ईयर्स या फिर 60,000 किलोमीटर्स
5 ईयर्स या फिर 50,000 किलोमीटर्स तक का वारंटी ऑफ़र देती है। इनमें से कोई एक चुन के आप अपनी गाड़ी की वारंटी ले सकते हैं। उसी तरफ होंडा सिटी के साथ एक ही वारंटी ऑफ़र देती है जो कि है 3 ईयर्स या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर्स। मेरी नज़र में तो 3 ईयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर्स वाला ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नहीं अब ज़्यादा अच्छा है मेरी नज़र में। अब लास्ट प्राइसेस की बात करते हैं अपन, तो वरना का 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन जो है वो 9.3 लाख रुपीस से शुरू होकर 13.85 लाख रुपीस तक का मिल जाता है। और उसी तरफ होंडा सिटी का जो 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन है वो 8.46 लाख रुपीस से शुरू होकर 9.92 लाख रुपीस तक का मिल जाता है। दोनों के टर्बो इंजन की बात करें तो वरना का टर्बो इंजन जो है 14 लाख रुपीस तक मिलता है, और उसी तरफ होंडा सिटी का 11.43 लाख रुपीस तक का मिलता है। दोनों गाड़ी के डीजल इंजन की बात करें तो पहले वरना का डीजल इंजन बोलते हैं, तो वरना का डीजल इंजन को 10.65 लाख रुपीस से शुरू होकर 15.10 रुपीस तक का मिलता है। होंडा सिटी का डीजल इंजन अपने को 13.43 लाख रुपीस तक का मिलता है। अब चलिए अपन लास्ट बात करते हैं कि ख़रीदना आपको कौन सी गाड़ी चाहिए। अगर आप एक ऐसी गाड़ी खरीदना चाहें जो कि आप ऐसी सेडान खरीदना चाहिए जो कि 15 लाख के अंदर आती है और इसमें बढ़िया फीचर्स हों, वारंटी ऑफ़र अच्छा हो, मेंटेनेंस कॉस्ट अच्छी हो, मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट जो है सस्ती हो, तो आप हुंडई वरना की तरफ जा सकते हैं। हुंडई वरना में ये सब चीज़ें जो हैं बहुत बढ़िया हैं। और अगर आप ऐसी गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं जो कि आप ख़रीदना चाहते हैं पेट्रोल इंजन आप ख़रीदना चाहते हैं, तो आपको अगर ऐसी गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं पेट्रोल डीजल जो कि ऑन रोड 14 लाख रुपए तक की आ जाए, तो जिसमें मतलब आप टर्बो पेट्रोल में पैडल शिफ्टर्स में हो, ये सब भी हो, तो आप होंडा सिटी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि होंडा सिटी में अपने को सस्ता मतलब वरना से सस्ती होंडा सिटी है। उसमें अपने को जो टर्बो इंजन मिलता है वो भी सस्ता है, उसमें पैडल शिफ्टर्स भी मिल जाते हैं अपने को, तो इस कंडीशन में आप होंडा सिटी की तरफ जा सकते हैं। यही था भाई आज का कंपैरिजन। ये मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि आप लोग में से कुछ लोग कन्फ्यूज हैं कि वरना खरीदें या फिर होंडा सिटी खरीदें, तो मैंने इसलिए वीडियो बनाया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और ठीक है, कुछ नहीं भाई इसके बाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।